आपके जुए और सट्टेबाजी के पैसे से खरीदा हुआ तोहफा मुझे नहीं चाहिए। आज के बाद अगर तू मुझे गरिमा के आसपास भी दिख गया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। यहाँ तुमने मुंह खोला और वहाँ तुम इंटरनेट पर वायरल, उसकी जिंदगी नरक कर दूंगा। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या हैप्पी बर्थडे वाला डेकोरेशन किया है? तेरी नई मामी आ रही है, इस घर की नई बहू, तो सजावट भी तो वैसी होनी चाहिए ना। माँ, मामी हुई तो क्या हुआ, है तो वो भी यंगस्टर ना, और हम जैसे यंगस्टर्स को ना ये फूल पत्ती थाली वगैरह नहीं समझती, तो आप अपने तरीके से वेलकम करो और मैं अपने तरीके से। लगता है आगे अच्छा चल। बस बस खुश हूँ। प्रतीक कितनी सुंदर भाभी लेकर आया है मेरे लिए। गरिमा ये है मेरी बड़ी दीदी, कहने को मेरी बहन है लेकिन मेरी माँ से कम नहीं है। इन्होंने बचपन से ही मुझे और अनुज को ना एक जैसा प्यार दिया और एक जैसा लाडला बना। और हाँ, इनसे मिलो, ये है अनुज, अरे जिनके बारे में बताया था मैंने तुम्हें, यही है वो मेरा भांजा। मामा, मामी तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। क्या बड़बड़ा रहा है, नई मामी के पैर नहीं छूना? चल पैर छू। पैर छूंगा मैं तो मामी के पैर में पड़ जाऊंगा। ए अनुज खड़ा हो, तुम मत करना, मत ये ऐसी शरारतें करता रहता है शैतान है। खुश तो होना। अच्छा प्रतीक, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। सुरभि दीदी और अनुज कब से इस घर में रहते हैं? तुम छोड़ो ना ये सब बातें, तुम बस मुझ पर फोकस करो, ठीक है? अच्छा, तो अब हम आप पे फोकस करें। यस। अरे अच्छा, फोकस करते ना, फोकस करते ना। बताओ। ठीक है ठीक है, बस मैं पानी लेकर आती, मुझे बहुत तेज प्यास लगी। जब
मामी, मम्मी आपको बुला रही है, आपसे कोई मिलने आया बाहर। ठीक है आप आ जाइए। मामी आ रही है। जी दीदी, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये शरीफों का घर है। मेरी बहन का भी तो घर है, अब उसने तो शादी में बुलाया नहीं, कुछ तो उच्चा बहन को आशीर्वाद के साथ कुछ तोहफे दे दो। आपके जुए और सट्टेबाजी के पैसे से खरीदा हुआ तोहफा मुझे नहीं चाहिए, और जब ईमानदार हो जाओ ना तब मैं और प्रतीक आपसे भी आशीर्वाद ले लेंगे। आपके वजह से मैं ऑलरेडी अपने पापा को खो चुकी हूँ, इस घर में और किसी को नहीं खोना चाहती। जाइए आप यहाँ से। ये क्या नंबर लाया तू अनुज? सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुआ तू? अरे ऐसे कैसे 12वीं पास करेगा? ट्यूशंस, ऑनलाइन क्लास, क्रैश कोर्स, जो तू बोलता है सब करवाता हूँ ना तुझे, फिर भी तू एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। अरे शर्म है तुझे या नहीं? प्रतीक आराम से बात करो। आराम से बात करो? लो तुम खुद देख लो, एक सब्जेक्ट में पास हुआ है लड़का। आराम से बात करो, हद्दी कर दी इसने। मैं कुछ सजेस्ट करूँ? मैं भी कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और पढ़ने भी अच्छी थी, तो मैं अनुज के मेजर सब्जेक्ट में उसकी हेल्प कर सकती हूँ। देखो गरिमा, तुम इस सब में ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। मुझ पे भरोसा रखो, मैं अनुज को फेल तो नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लो कि इसे कैसे पढ़ाना है और कैसे नहीं। देखो अनुज, मैंने तुम्हारे मामा से कह तो दिया है, लेकिन हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। मामी इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा, पर इस बार तो मैं पास होकर रहूंगा। थैंक यू सो मच, आपने मामा के गुस्से से बचा लिया। अच्छा ठीक है। प्रतीक, आज मुझे अनुज के एक्स्ट्रा लेसन्स लेने हैं, उसके एग्जाम्स नजदीक है ना। ओके, आज भी अनुज के एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तुम्हें? हाँ, और मेरा क्या? अरे यार थोड़ी अटेंशन मुझे भी दे दिया करो भाभी, आज तुम सिर्फ मेरे लेसन्स लोगी, समझी? अच्छा, और अनुज? अरे अनुज को छोड़ो ना, वो तो खुश हो जाएगा कि उसको पढ़ाई से छुट्टी मिली है ना। Thank you.
मामा वो मामी नहीं आई, एक्चुअली मेरे कुछ चैप्टर्स बाकी हैं तो अब अनुज वो गरिमा की थोड़ी तबीयत खराब है, वो मैंने उसको बोला है वो सो रही है, वो कल आएगी और आज के चैप्टर्स तुम्हें कल कवर करा देगी, डोंट वरी। क्या हुआ मामी को? उनकी तबीयत ठीक? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो सो रही है अभी, कल तक ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर, जा तू भी जाकर सो जा, ठीक है? ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट। आया था तुम्हारा स्टूडेंट, भेज दिया मैंने उसे सोने। मामी ये देखो मैं कितने अच्छे नंबर से पास हुआ। वाव 70%, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन टू यू टू मामी, और थैंक यू, आप ही की मेहनत की वजह से हुआ है, तो थैंक यू 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 मामी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हां नहीं मामी, वो एक्साइटमेंट के बारे में मैं अपनी लिमिट से भूल गया था, I'm sorry। झूठ, मुझ पे तुम्हारी बुरी नजर है, मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी, तुमने तो आज सारी हदें पार कर दी। निकलो मेरे रूम से, अभी के अभी निकलो यहाँ से। I'm sorry, निकलो। अनुज मामा क्या कहानी बनाएगा अब तू? हाँ शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरी इतनी हिम्मत। मामा मुझे माफ कर दो मामा प्लीज, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा मामा प्लीज, मुझे माफ कर दो मामा प्लीज, मुझे माफ कर दो मामा, माफ कर दो। क्या मामा मामा लगा रखा तूने? पता है ना कि मैं तुझे माफ तो नहीं करूंगा, सुरभि दीदी का बेटा है इसलिए पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। सुन अनुज, आज के बाद अगर तू मुझे गरिमा के आसपास भी दिख गया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझ आया तुझे? सुरभि दीदी को तेरी सारी करतूतों के बारे में बता दूंगा। मामा प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना, सॉरी मामी। अनुज तू ऐसे क्यों रो रहा है? क्या बात है, क्या हुआ, क्या क्या हुआ प्रतीक, क्या किया इसने? किसी से पूछ तो ना जाकर आप, क्या किया इसने? अनुज मामा ने मुझे थप्पड़ मारा, आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया, ये लोग मेरे को मेरी माँ से अलग करके रहेंगे, नहीं छोड़ूंगा, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल। अनुज हुआ क्या है? दरवाजा खोल बेटा। अनुज क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है, और प्रतीक तुझे ऐसे क्यों डांट रहा था? कुछ किया है तूने? तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है? मेरी गलती है, मैं यही सही है, क्यों मैं ही गलत, मेरी गलती है सारी। अरे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ है, प्रतीक भी कुछ नहीं बता रहा है। हाँ मेरी गलती ये है कि मेरे एग्जाम में कम नंबर आए हैं। कम नंबर आए, लेकिन तू तो अच्छे नंबरों से पास हुआ है ना? वही तो माँ, मामा मामी तो 70% भी कम लग रहे हैं, मामी तो कह रही थी कि 90% के ऊपर आने चाहिए थे, और मामा मामा ने बोला कि अगर इस बार फाइनल एग्जाम में 90% के नीचे आए तो पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर काम करना स्टार्ट करवा देंगे। तो तू इसीलिए टेस्ट में बाहर है? हाँ अरे उसने ऐसे ही कह दिया होगा ताकि तू और मेहनत करे और अच्छे नंबरों से पास हो, और तुझे पता है ना तेरे मामा कितने सख्त है। नहीं माँ वो बहुत सीरियसली बोल रहे थे, और मुझे तो लगता है कि मामी ने उनको बोला है सब बोलने के लिए।
वो हमें पसंद थोड़ी ना करती है। तो ये कैसी बातें कर रहा है अनुज? तेरी मामी तुझ पे इतनी मेहनत करती है और तू उसे भला बुरा कह रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तेरे मामा से बात करती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मम्मी आप बात मत करना, नहीं तो वो मुझे और डांटेंगे, आप जानती हो। अरे हाँ हाँ, आप बात मत करना। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बस अब एक काम कर, हाथ मुंह धो के कुछ खा ले। अरे वाह, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आज बहुत दिनों बाद साथ में मिलके खाएंगे। बैठो। अरे क्या हुआ? माँ मैं अपने कमरे में जाके खा लूंगा। लेकिन माँ प्लीज। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? छोड़िए ना दी, खाना ही तो खाना है उसको, अपने रूम में बैठ के खा लेगा, क्या दिक्कत है उसको? आप बैठिए और हमारे साथ खाना खाइए। हाँ दीदी, आप आइए बैठिए। अनुज, ये क्या पूरे कमरे में अंधेरा किया हुआ है? हाँ अम्मा, तुम तो उठ गया और तू रात भर इस कुर्सी पे सोया हुआ था। माँ वो पढ़ते पढ़ते कम नींद लग गई, पता ही नहीं चला। क्या पढ़ाई का इतना भूत सवार है तेरे सर पे कि अपने आप को इस कमरे में कैद कर लिया तूने? और क्या करता रहता है पूरा दिन इस कमरे में? वो माँ मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब के लिए भी अब ट्राई कर रहा हूँ। जॉब? अनुज फिर वही बात, तुझे अभी से नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? पहले तुझे 12वीं की पढ़ाई पूरी करनी है, फिर कॉलेज पूरा करना है, उसके बाद नौकरी के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी, समझा? माँ हमें हमारा बंदोबस्त करना पड़ेगा, हम ही नहीं चाहते कि हम उनके साथ रहें। अनुज तेरे दिमाग में ये क्या चलता रहता है? और मामी को तुझसे क्या परेशानी होगी? हाँ मुझसे? हमसे? माँ आपने देखा नहीं कि मामा मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं? मैंने तो उनको बातें करते हुए भी सुना था। मामी मामा से बोल रही थी कि हम लोग कब से इस घर में रह रहे हैं। अनुज तुमने गलत सुना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है माँ, हर बार मैं ही गलत सुनता हूँ, मैं ही गलत हूँ। लेकिन एक चीज आप भी ध्यान रख लीजिए, मैं आपको इस घर में काम करते हुए नहीं देख सकता। माँ जैसी मेरी नौकरी लग जाएगी ना, हम लोग एक बड़ा सा कर लेंगे और तुम्हारे सामने में नौकरों की लाइन लगा दूंगा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में प्रतीक, इस महीने मुझे घर खर्च के लिए थोड़े और पैसे चाहिए हुए। वो अनुज के स्कूल में फेस्टिवल है तो उसे देने हैं। देखो दी, अगर अनुज के स्कूल में फेस्टिवल है तो उसके लिए वो मुझसे भी तो खुद पैसे मांग सकता है ना। आप अनुज को बोलिए कि उसे स्कूल से कुछ नोटिस या स्लिप मिला होगा, मुझे दिखा दे और मैं उसको पैसे दे दूंगा। अच्छा तो वो नोटिस का कागज नहीं दिखाएगा तो उसे पैसे नहीं देगा? मतलब उस पर इतना भी विश्वास नहीं है? मुझ पर विश्वास है या नहीं? देखो दी बात ऐसी नहीं है, बट एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो खर्चा करता कहाँ है। प्रतीक तेरे 500,000 रुपए का क्या कर लेगा, छोटा बच्चा है वो। दीदी जितना हमको लगता था ना उतना वो बच्चा रहा नहीं। अब
प्लीज यार गरिमा, मेरा मूड ठीक नहीं है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा सरप्राइज है जिससे तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। दिखाओ। सरप्राइज? दिखाओ। दो मिनट। बस अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। भागो जो मन यू था। दीदी आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ क्या बात है? मतलब आप पास में जा रही हैं, दूर जा रही हैं? हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ घर में, कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी। वैसे तुम क्या चाहती? दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं चाय बनाने वाली थी। अगर आप जल्दी आ रही हैं तो फिर मैं थोड़ा रुक के बना लेती हूँ, तो मैं साथ में चाय पीते। मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। बिस्तर पे क्या कर रहे हो? और मेरे साथ क्या किया? अब तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ करने का मन है। हर वो चीज जो तुम मामा के साथ करती हो। बकवास बंद करो, अपने मामा से मार खा के भी ना सुधरे नहीं हो तुम। निकल जाओ मेरे कमरे से। नहीं सुधरा और सुधरूंगा भी नहीं, और ज्यादा टीटी करी ना वही गर्दन काट दूंगा। अमित ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी मामी हूँ, तुम्हारे मामा की बीवी हूँ मैं। तो क्या हो गया? बचपन से सुनता आ रहा हूँ,
जो चीज मेरी है वो मामा की भी है, और जो मामा की है वो मेरी भी, और उस हिसाब से तुम तो मेरी हुई ना, तो उस हिसाब से तुम भी मेरी हुई। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, जबरदस्ती करनी आती मुझे, समझी? चलो मेरे सामने पहनो। अगर मैं तुम्हारी चाय में नशे का डोज मिला सकता हूँ तो मामा के टिफिन में मिलाने में कितना समय लगेगा, वो भी ओवरडोज। वैसे भी मैंने हमारी आज की रासलीला तो रिकॉर्ड कर ही ली, यहाँ तुमने मुंह खोला और वहाँ तुम इंटरनेट पर वायरल, सुपरस्टार करीमा मामी। गरिमा ये सब तुम यह क्या कर रहे हो? हाँ मैंने मना किया था ना, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, ये सब चल क्या रहा है? और वो तो प्रतीक का भांजा है ना। छी, प्रतीक जैसे अच्छे इंसान के साथ तुम उस अनुज ने चाकू की टोक पर मेरे साथ की इतनी हिम्मत हार खींच ली? नहीं भैया, तुम कुछ गैर कानूनी नहीं करोगे? नहीं ठीक है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन करवा तो सकता हूँ ना, उसकी जिंदगी नरक कर दूंगा। नहीं भैया, तुम इन सब से दूर रहोगे। दूर रहूं? हाँ। और तुमको ऐसा रोता दिखता हूँ? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। या तो तुम कुछ करो या फिर मुझे करने दो। भैया अगर उसने प्रतीक को कुछ कर दिया तो उस पिद्दे में ना इतना गुर्दा नहीं है, और मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक होगा। वाह दीदी, आपसे अच्छी चाय कोई बना ही नहीं सकता। मैं देखती हूँ। अच्छा जी, अनुज शर्मा का घर यही है जी। सर लेकिन आपको क्या काम है? उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है, बुलाइए उन्हें, हम उन्हें लेने आए हैं। सर मेरी बात सुनिए सर। इंस्पेक्टर सर, आप कौन? मैं प्रतीक, अनुज का मामा। देखिए अनुज के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ और कंप्लेंट गरिमा ने की। क्या गरिमा, क्या बकवास कर रहे हैं? माए लोग क्या कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गरिमा ये इंस्पेक्टर सर क्या कह रहे हैं, उन्हें अनुज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है, वो भी ऐसी कंप्लेंट? हाँ दीदी, मैंने की है कंप्लेंट, क्योंकि ये सच है। रीमा ये क्या कह रही हो तुम? हाँ प्रतीक, ये सच है, इसने डरा धमका के मेरे साथ। क्या, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो मैं प्रतीक क्योंकि ये झूठ है। माँ मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मामी नहीं चाहती है कि हम इस घर में रहें। मामी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी मामी प्लीज। गरिमा किस जन्म का बदला ले रही मुझसे और मेरे बेटे से? हाँ हमें इसे ले जाना होगा। सर 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 एक मिनट, आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? मैंने इसे देखा था, गरिमा के कमरे से बाहर निकल रहा था, और गरिमा फूट फूट कर रो रही थी। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो आप?
सर ये आदमी खुद एक क्रिमिनल है। हाँ ये जरूर है बहन और भाइयों की शादी से इन दोनों की। कमीने क्या बोल रहा है तू? हम झूठ बोल रहे हैं। हम एक मिनट छोड़ो इसे। चलो लेके चलो अनुज सर, लेकर चलो इसे। चलो सर एक बात सुनिए, हाथ जोड़े अनुज 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 मैंने अपना केस वापस ले लिया दीदी। मैं आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। हाँ दीदी गरिमा सही कह रही है, वरना जो हरकत इसने करी उसके लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसकी सजा आप क्यों भुगतें? इसलिए गरिमा के इस फैसले में मैं उसके साथ हूँ। वाह मामा वाह, एक और एक ड्रामा बहुत हो इन लोगों का। माँ अपना सामान बांधो और चलो। माँ हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे अब। माँ हम नहीं, तू जाएगा यहाँ से। माँ क्या बोल रहे हो आप? मुझे तेरे गंदी करतूतों के बारे में पता चल गया। तूने अपने मामा मामी के कमरे में कैमरा लगाया, उनकी गंदी वीडियोस बनाई। तेरे कंप्यूटर में मैंने सारी वीडियोस देखी और तू यही इल्जाम लगा रहे। अरे ये तो इनका बड़प्पन है जो तेरे खिलाफ केस वापस ले लिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुझे जन्म दिया। चल निकल यहाँ। तुझे बात समझ में नहीं आ रही? दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, जा यहाँ से। माँ दरवाजा खोलो ना। माँ दरवाजा खोल दो। माँ तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, आगे क्या करना है अगले मैसेज में बताएंगे। अनुज का नंबर तो बंद आ रहा है। प्रतीक, गरिमा, प्रतीक, प्रतीक देख। क्या बात दी? क्या हुआ? किसी ने अनुज को किडनैप कर लिया। अनुज को फोन किया? किया बंद आ रहा है ना। इस नंबर पे मैसेज? किया मैंने, वो भी बंद आ रहा। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। जल्दी कर। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे ये कंप्लेंट दर्ज करानी थी। दीदी कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। दी आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, पुलिस पता लगा रही है किडनैपर कौन है। गरिमा भैया, भैया आप अपने कॉन्टैक्ट से अनुज का पता लगवाइए ना। देखता हूँ, कुछ लोगों से पता करता हूँ। अच्छा प्रतीक, सर कुछ पता लगा किडनैपर का कि किसने अनुज का किडनैप करवाया? हाँ पता चला, जिस नंबर से सुरभि जी को मैसेज आया था वो नंबर राकेश के नाम पे रजिस्टर है। सर राकेश आपके घर से होके आए हैं। क्या मेरे नंबर से? ये कैसे हो सकता है, किस नंबर से वो मैसेज आया था? आप खुद ही देख लो, ये देखिए, देख लीजिए खुद ही। ये नंबर तो मेरा ही है। एक मिनट सर, ये फोन तो मेरा उसी दिन चोरी हुआ था। आप लोगों ने अनुज को घर से निकाला था और मैं उससे मिला भी था। गरिमा ने भले ही तुझे छोड़ दिया हो,
अपना केस वापस ले लिया हो, लेकिन मेरी नजर तुझ पर बनी रहेगी। गरिमा और इस परिवार से दूर रह। इसका मतलब आपका फोन अनुज ने चोरी किया होगा? हो सकता है। ठीक है, हमने उस नंबर को सर्विलेंस पे डाला है, जैसे वो नंबर एक्टिवेट होगा हम उसे ट्रेस कर लेंगे। ओके सर। ₹10,00,000 तैयार रखो। हेलो जी सर। जी थैंक यू सो मच। गरिमा, पुलिस को वो फोन का लोकेशन पता चल गया है, वो लोग वहीं फोन को ढूंढने जा रहे हैं अभी। टच करो। सर, अनुज मिला क्या आप लोगों को? हाँ, लेकिन जिंदा नहीं, उसकी बॉडी मिली है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? किसने मारा अनुज को? वही पता करने के लिए आए हम लोग यहाँ पर, और हमें राकेश पे शक है। सर राकेश, ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं क्यों मारूंगा अनुज को? अनुज को मारने के कई कारण है तुम्हारे पास। पहला कारण, उसने तुम्हारी बहन के साथ रिश्ता बढ़ाया और उसे ब्लैकमेल किया, फिर खुद की झूठी किडनैपिंग में तुमको फंसाने की कोशिश की, और तुम्हारी हिस्ट्री हम जानते हैं। क्राइम करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? ये गलत है इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। सर आपको गलतफहमी हो रही है, वो सब हम देख लेंगे। ले चलो इसे, चलो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। राकेश को छोड़ दीजिए, अनुज का खून मैंने किया। दी, ये आपने अपने ही बेटे को मार डाला? हाँ मैंने मारा, क्योंकि उस नंबर से अनुज ने मुझे दोबारा मैसेज किया था। ₹10,00,000 तैयार रखो। बेटा मैं जानती हूं ये तू ही है मेरा अनुज। फोन उठा। बेटा मैं जानती हूँ ये तू ही है मेरा अनुज। फोन उठा बेटा। अनुज, ठीक है? ठीक हूँ मां। क्यों क्या तुमने ऐसा? पता है मैं कितना डर गई? क्या करता मां मैं? उन दोनों पति पत्नी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और तुमने सही किया प्रतीक और गरिमा के साथ।
माँ उन लोगों ने भी कौन सा सही किया मेरे साथ, सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरी माँ छीन ली मुझसे, अब तक तुम सिर्फ मेरी माँ थी, अब तुम उसकी भी माँ बन गई थी, बचपन से लेकर अब तक मुझे हर चीज शेयर करनी पड़ी उसके साथ में, तो मैंने उसकी बीवी शेयर कर ली, मुझसे दूर करने की कोशिश की तुम्हें माँ, मैं क्या करता बताओ मुझे, आप क्या करेगा, उन दोनों को बर्बाद कर रखूंगा, नहीं तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा ही करूंगा माँ, मैं तुझे ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी, वो जिस रास्ते पे निकला था वो कभी नहीं सुधरता, वो अरेस्ट होता, बाहर आता और फिर वही करता, वो अगर जिंदा रहता तो प्रतीक की दुनिया में डर लगा रहता, इसलिए मार दिया, अपने द्वारा अपने बच्चे को